हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। और आज फ्रेंड्स हम बिना लहसुन प्याज टमाटर के आलू का सब्जी बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स ले लिया है आलू उबला हुआ, और इसको कुछ पीस से जो बड़े बड़े हैं उसको काट लिया, जो छोटे हैं उसको ऐसे छोड़ दिए। चलिए अब गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल। इसको गर्म होने के बाद हम आलू को फ्राई कर लेंगे। हल्का लाइट कलर जब हो जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। अभी टमाटर इतना महंगा हो गया फ्रेंड्स कि टमाटर मुंह से कहने में भी डर लग रहा है। तो ये देखिए कुछ लाइट इस तरह का फ्राई हो जाए रेड कलर का, तो इसको हम निकाल लेंगे। अब चलिए ग्रेवी भी बना लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग सब्जी है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो जो बचे हुए तेल थे उसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च और जीरा पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च है आपके पास तो डालिए, नहीं है तो इसको इसकी भी कर सकते हैं, ये कुछ करता नहीं है, बस कलर के लिए ये डाला जाता है। और तीखी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद इसको थोड़ी सी 1-2 मिनट तक मसाला को भून लीजिए। उसके बाद हम डाल देंगे दही। दही को डालने के बाद फ्रेंड्स इसको फटाफट चलाना है ताकि ये फटे नहीं। नमक मैंने इसलिए ही नहीं डाला फ्रेंड्स क्योंकि दही में नमक जब पहले ही डाल देंगे तो ये फट जाता है थोड़ी सी। तो जब भी आपके दही में उबाल आ जाए ग्रेवी बनाते समय तब उसके बाद नमक डालिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी दही वाली जो ग्रेवी थी वो उबाल आ चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे, ये मैंने डाली है पाउडर जो बादाम का पाउडर है, जो पीनट्स होता है वो वाला। यहाँ पे बादाम का पाउडर डालिए, इससे क्या होगा कि ग्रेवी बहुत ही ठीक हो जाएगा। और उसके बाद स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए। अब आपकी दही फटने की कोई चांस नहीं है। 1-2 मिनट तक मिलाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए मसाला दही ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा से फ्राई हो चुका है और मेरा ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपने अनुसार डालिए फ्रेंड्स क्योंकि आप ग्रेवी वाला सब्जी खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालिए कम, और ग्रेवी नहीं डालना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी कम पानी डाल के सूखा भी बना सकते हैं। उसके बाद उबाल आ जाए ग्रेवी में उसके बाद हम डाल देंगे आलू उबले हुए जो फ्राई करके रखे थे। अब इसको ढक के ग्रेवी ठीक होने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखिए फाइनली ठीक हो चुका है। ऊपर से हम मिला लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको हम मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इस टाइम भी आप कुकिंग को ऑफ कर सकते हैं, बट थोड़ी सी और हम इसको सुखा लेते हैं। ये देखिए फाइनली ये बहुत ही अच्छा से सूख चुका है। तब हम यहाँ पे बंद कर देते हैं अपने गैस को। तो चलिए अब फ्रेंड्स प्लेटिंग करने से पहले हम यहाँ पे हरी मिर्च भी ऊपर से डाल दिए हैं। आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास आज नहीं था। अब प्लेटिंग भी कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा सब्जी आपके बन के रेडी हो चुका है। न प्याज डाला, न लहसुन, न टमाटर। आप चाहे तो पूरे हफ्ते ऐसे ही कद्दू का ये सब का सब्जी बना के आप खा सकते हैं। तो आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आई होगी तो, और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। और मैंने ढेर सारी वीडियो अपलोड करके रख चुकी हूँ, तो आप लोग जाइए और देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।